तो कैसे हो दोस्तों, आज हम अपने शहर के अंदर बनेंगे सबसे महंगा सुपर हीरो बैटमैन। जी हाँ दोस्तों, बैटमैन ना कि सुपर हीरो। तो कैसे बैटमैन की न्यूज़ आ चुकी है हमारे पास टीवी के अंदर। हमने देखा बैटमैन के लिए एक दिन के लिए आप सिर्फ बैटमैन हो सकते। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो हमें अपने फ़ोन के अंदर सिर्फ बैटमैन लिखना होगा। तो दोस्तों इसके अंदर जो काम किया गया, इसे बैटमैन लिख देते हैं और क्या है ये मैसेज आएगा हमको देखते हैं। बंदे ने कहा है कि मैसेज आएगा आपको थोड़ी देर बाद। तो कैसे आप थोड़ी देर बाद मैसेज आएगा, यार मैसेज आ चुका है इसे मेरे पास। यू आर बैटमैन ओनली यू आर रिच। मतलब कहना क्या चाहते हो भाई साहब, मैं इतना अमीर हूँ फिर भी मेरे को रिच बताना पड़ेगा। मतलब मैं रिच हूँ भाई, पहले से ही रिच हूँ भाई, बहुत अमीर हूँ भाई मैं। आपको इनको ना मेरे को अमीरियत दिखानी पड़ेगी भाई साहब। ये कुछ ऐसे नहीं मानते भाई, ये ऐसे टट्टी गेम ग्लिच कर देते हैं। मतलब ऐसे टास्क देते हैं थोड़े से फद्दू से। तो कैसे इनको दिखाता हूँ मैं भाई साहब, मेरे पास अपना खुद का बंगला है भाई साहब। यहाँ पर जितने बंदे रहते हैं किराए पर रहते हैं भाई। क्या ही क्या, और भाई साहब ये सामने देख नहीं रहोगे फॉर्च्यूनर खड़ी है और मेरा स्विमिंग पूल भाई साहब। और देखो कमरे के अंदर डाइनिंग टेबल भाई साहब, टीवी और भाई साहब ऊपर बैठ के क्या ही जबरदस्त भाई। सीढ़ी देखो भाई साहब, अमीरों वाली सीढ़ी है भाई। और मैंने अपने घर के अंदर जिम बना रखे गाइस, इनको ये पता नहीं है क्या। और दो दो जिम है मेरे घर के अंदर, इनको ये भी नहीं पता है सरासर। और भाई साहब पीछे देखते हैं गाइस, घर के पीछे दिखा देता हूँ उनको सिंपल गाइस। ये देखो भाई, क्या मेरे को कुछ और दिखाना पड़ेगा। इतनी सारी बाइक है मेरे पास, सुपर बाइक है भाई, नॉर्मल बाइक नहीं है। तो गाइस अब ये कह रहे हैं चलो हाँ भाई मान गए तू अमीर है। और भाई साहब ये देख भाई, ये अमीरों वाला घर। मतलब भाई साहब मेरे पास दो घर है और ये मैंने रेंट पे भी दे रखा है, ऐसे ही पड़ा है खाली, और कोई भी आ जा सकता है भाई। इतना अमीर हूँ भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। क्या अभी भी मेरे को कुछ बताना पड़ेगा कि मैं अमीर हूँ? तो कह ये कह रहे हैं हाँ हाँ भाई मैं मान गए हैं, बहुत पैसा है तेरे पास, चल अब नेक्स्ट भाई। क्या मतलब नेक्स्ट, मतलब थ्री, मतलब लड़ना पड़ेगा वन वर्सेज वन भाई साहब। तीन फाइट भाई साहब, तीन पीपलों के बाद फाइट। मतलब क्या ही, मतलब अब मेरे को ह्यूमन पावर दिखानी पड़ेगी क्योंकि ऐसे तो नहीं बन सकते बैटमैन, उसके लिए पावर होनी चाहिए। तो कैसे इसको मैं खेलता हूँ, मतलब मारता हूँ। ए ल भाई, ए ल ए ल, ओ भाई साहब ये तो मर गई। इसको तो मैंने एक सेकंड की चुटकी अंदर मार दिया भाई साहब, ये बहुत ही ज़्यादा पिट चुकी है भाई साहब। अब मैं मारता हूँ दूसरे तीसरे बंदे को। तो भाई साहब कहाँ चलते हैं, कहाँ पर है, कोई है या फिर ये अंकल इसको जवान लड़के को मारते हैं। अभी हम दिखाते हैं अपनी पावर को भाई साहब। ये ले भाई। हाँ भाई मारेगा, ये भी मर गया भाई, एक और मारना पड़ेगा। अभी भी दिखाने की शक्ति है, मतलब अभी भी प्रूव करने की जरूरत है भाई। अब ले इसको भी मार देते हैं, तुमको फिर विश्वास हो गया दोस्तों। तो कैसे भी इसको मार देते हैं हम पहले तो। ओ भाई ये इधर आ, इधर हमको टास्क मिला कि तीन बंदों को मारना है। ये तेरी ऐसी की तैसी, ए ला भाई ए ला ल मेरे को मारेगा। अरे बैटमैन हूँ, बैटमैन बनने वाला हूँ तेरा भाई। क्या ही ये भाई मेरे को मारेगा यार, ये क्या कह रहा है। वन प्लस वन कितने होते हैं, ये माइंड टेस्ट कर रहा है मेरा यार। इतना भी मेरे को नहीं पता है क्या, ये क्या सोच रहे हैं, मेरे को दिमाग नहीं है क्या। बैटमैन हूँ भाई साहब, बैटमैन। वन प्लस वन इलेवन होते हैं यार। देखा करेक्ट आंसर भाई साहब। जी हाँ दोस्तों, मेरा करेक्ट आंसर हो चुका है ये यार। मैं थोड़ा अजीब माइंड है भाई साहब, वन प्लस वन टू नहीं होते भाई, इलेवन होते हैं मेरे को पता है। क्या ये क्या सिस्टम है, ये मेरे को पता नहीं। हाँ मेरे को याद आया, एक ग्रैपल गन है गाइस। ये क्या कह रहे हैं, फाइंड करनी है गाइस। ये तो मेरे पास ही है यार, इसके पास ही है यार, ये इसके ऊपर रखी होगी शायद। इन्होंने मान लिया कि मैं बैटमैन बनने के लायक हो रही है, मेरे को बैटमैन बनाने के लिए मेरे को सारी जितनी भी उसकी वेपन है वो दे रहे हैं। तो गाइस इसके ऊपर बाइक चढ़ाते सिंपल ही भाई साहब, थोड़ा आराम से। क्या ही यार, क्या ही कर रहा है फ्रैंकलिन यार, थोड़ा आराम से यार, इतना भी थोड़ा तेज मत हो। अब इसके ऊपर लैंड करवा लेते हैं अपनी बाइक को सिंपल। ये क्या बात है, अरे 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 क्या कर रहा है फ्रैंकलिन यार, फिर से जाना पड़ेगा यार, दोबारा से करने पड़ेगा। तो गाइस अब यहाँ पर दोबारा से करके हम आ चुके हैं गाइस। अब दोबारा से भाई साहब हो नहीं रहा था बिल्कुल भी, 2000 ईयर लेटर। तो भाई साहब देख लेते हो अब दोबारा से करके। ए ये लो भाई साहब, ये चढ़ा दिया। अब फ्रैंकलिन थोड़ा आराम से। ए भाई फ्रैंकलिन थोड़ा सा आराम से, बिल्कुल परफेक्ट लैंड करना है। ये ले भाई साहब, हो गया भाई आराम। ब्रेक मार। तो भाई साहब फ्रैंकलिन गन मिल चुके, जो भी बैटमैन के गन है भाई साहब वो हमको मिल चुकी है। तो कैसे ये रियल है ना। हाँ भाई साहब अब क्या नेक्स्ट, क्या कह रहे हो भाई साहब, ये क्या है। ओ भाई साहब ये नेक्स्ट वेपन कह रहे हैं भाई साहब, ये चीज़ भी लेके आनी पड़ेगी हमको। क्या ही बैटमैन की सारी चीज़ हमको लेके आनी पड़ेगी क्या भाई साहब। ये चल मेरे साथ देख, ढूंढता हूँ भाई साहब इसको कहाँ पर आई, कहाँ पर हो सकती है भाई साहब। मेरे को लगता है यहाँ पर मेरे को मिल सकते हैं, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर बैटमैन साफ ही चीज़ें चुराता है, मतलब छुपाता है। तो भाई साहब मेरे को ढूंढनी पड़ेगी। ओ भाई साहब मेरे को मिल चुके हैं भाई साहब ये चीज़ भी।
तो गाइस अब आप कमेंट करके बताना कि बैटमैन की ये चीज़ क्या है। मेरे को तो नहीं पता क्योंकि अभी मैं बैटमैन फुल्ली तरीके से नहीं बना। ओ भाई साहब, ये तो मेरे को पता है कि ये बैटमैन की कार है और ये भी मेरे को लेनी पड़ेगी। ये कह रहे हैं बंदे, भाई साहब सब चीज़ ढूंढ फिर तेरे को बैटमैन मिलाएंगे। क्या मतलब कोई बैटमैन की चीज़ चोरी करके आएगा? कोई चोर है कोई बैटमैन का? मतलब कोई बैटमैन की सारी चीज़ें चुरा गया जो तुम मेरे पर ढूंढवा रहे हो? भाई मैं पुलिस नहीं बनना चाहता, भाई मैं बैटमैन बनना चाहता हूँ। यार इन गेम वालों को भी पता नहीं है क्या यार? तो इसको बना लेते हैं हम कार। सबसे पहले कार लेके लेंगे, कार लेकर आनी पड़ेगी हमको। तो गाइस अब ओ निकल यहाँ से, बैटमैन बनने वाला तेरे को पता नहीं है क्या यार? यहाँ पर मेरे को आना पड़ेगा, थोड़ा ग्लिच करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आ गया हूँ भाई साहब, मेरे को मिल चुकी है बैटमैन की कार। तो सिंपल कैसे मेरे को बैटमैन की कार मिल चुकी है। क्या ही ओसम है भाई साहब, ये क्या अजीब अजीब, मतलब क्या ही डबल डबल टायर लगा रखे भाई साहब। ओ भाई साहब आप मेरे को मिल चुके बैटमैन की कार में। इनको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको बाहर कैसे निकालेंगे भाई साहब? सिंपल कैसे, इसको मेरे को टेक्निक करनी पड़ेगी जब जाके बाहर निकलेगी। तो भाई साहब नेक्स्ट क्या बात है, ये क्या कह रहे हैं भाई? बाइक, अब बैटमैन की बाइक भी लेके आनी पड़ेगी भाई। यार क्या ही करवाना चाहते हैं भाई ये, बैटमैन बनना चाहते हैं या फिर डिटेक्टिव बनाना चाहते हैं? मेरे को यार क्या ही बंदे कर रहे हैं। तो कैसे पेट्रोल पंप पे देख लेते हैं, यहाँ पर आकर क्या पता पेट्रोल पंप पर रखी हो भाई साहब, किसी चोर ने ही चोरी करके। भाई साहब देखो ये बैटमैन की तो हमें मिल चुकी है, क्या ही उस समय भाई साहब बैटमैन की ये बाइक। ओ भाई साहब ये तो अपनी इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम के अंदर भी ऐड होनी चाहिए भाई साहब, डिमांड है भाई हमारी इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम के अंदर भी इसको ऐड करवाओ दोस्तों। गाइस अब कमेंट करो जल्दी से, ये ऐड होनी चाहिए अपनी गेम के अंदर। तो गाइस अब सिंपली गाइस वीडियो को लाइक करो। गाइस क्या कह रही हैं, फ्लाइट पुलिस मैन हेल्थ परसेंट, मतलब फाइट, मतलब हाँ समझ गए गाइज, पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस को साथ में 50% हेल्थ पर फाइट करनी पड़ेगी। तो मैं बंदूक से मार देता हूँ, फाइट करने की क्या ही जरूरत है भाई साहब दोस्तों मेरे को। ए ए ए आराम से ए ला भाई, पट देने जी हो गए इसका काम। ओ भाई साहब मैंने बिना बूत के, मतलब बिना बात के पुलिस वालों से पंगा ले लिया है, क्या पता ये गोली मार मार कर भून दे मेरे को। गाइस मैं एक एम गन उठा लेता हूँ क्योंकि इनके पास भी गन है भाई साहब। ए ला भाई, ए ला भाई साहब, इन्होंने कहा फाइट कर, मैंने पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा दिया भाई साहब। जी हाँ दोस्तों, पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा दिया। तो अब मेरे को शायद ये बैटमैन तो बनाएंगे, बट अब बैटमैन बनने के बाद मेरे पे काफ़ी केस होने वाले हैं क्योंकि दोस्तों यार मैंने इतने बंदों को मार दिया और इतने पुलिस वालों को मार दिया और अब भी ये कांड करवाए जा रहे हैं। भाई क्या करना चाहते हो आप मेरे को ये बताओ, सिंपल मेरे को बैटमैन बनाओ या नहीं? अभी देखो मैंने कितने बंदे मार दिए यार तुम्हारे चक्कर में, बैटमैन के चक्कर में भाई साहब। ओबे ओबे ओ कैसे आ रहा पुलिस वाले? ए भाई ये रुक रुक रुक, आराम से भाई आराम से गोली खा ले यार, तू भी मर गया। क्या ही मारा भाई साहब, क्या मतलब गर्दन कैसे टूटे भाई साहब, देखो तो यार क्या ही पलटी मारा है बंदा। तो भाई साहब ये मिशन तो हो गया कंप्लीट आपका, अब क्या दे रहे हो भाई साहब? ये रुक नहीं रहे भाई, मिशन पे मिशन दे जा रहे हैं, ये क्या है भाई? यार जो भी है ये मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा, कह रहे हैं भाई साहब इसको कंप्लीट करो। क्या ही भाई, क्या इसके ऊपर है भाई साहब ये? तो भाई साहब यहाँ से सिंपल मेरे को जाना पड़ेगा, शायद कुछ रैंप रूम लगा के जाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जा सकते यार यहाँ पर। तो भाई सिंपल मैं अपने जैसे कि मैं जा रहा हूँ वैसे करना पड़ेगा मेरे को भी सिंपल तरीक़ों से, वरना यार दोस्तों बड़ा पंगा होने वाला है। जैसे कि हेलीकॉप्टर ले लेते हैं, हमारे पास खुद का एरोप्लेन जो है, मतलब हेलीकॉप्टर जो है, ये मेरे को लेना पड़ेगा क्या? ओ भाई साहब बैटमैन मास्क मिल चुका है ये। तो गाइस अब इन्होंने मेरे को मास्क तो दे दिया है, अब क्या क्या करना चाहते हैं ये सब चीज़? ओ भाई साहब बैटमैन बनने के बाद ही मेरे को यहाँ मास्क तो मिल चुका है, बट हाँ दोस्तों ये कह रहे थे कि यहाँ पर मास्क पड़ा है। जी हाँ दोस्तों मेरे को समझ में आ गया कि ये क्यों बुला रहे थे मेरे यहाँ। नेक्स्ट मिशन क्या है दोस्तों? ओहो सूट्स रेडी पिक योर वन, भाई साहब मतलब मेरा जो है सूट्स रेडी हो चुका है कॉस्ट्यूम भाई साहब। तो गाइस अब इन्होंने मान लिया कि मैं बैटमैन बनने के लायक हूँ और अब ये मेरे को बैटमैन की पावर और भाई साहब कॉस्ट्यूम दे रहे हैं। तो क्या ही जवाब है, मतलब लेजेंड भाई साहब ये, मतलब दो कॉस्ट्यूम है मेरे पास भाई साहब, मेरे को तो ये वाली दोनों पसंद आ रही है भाई साहब। चलो दोनों ही रख लेते हैं, एक पैर लेते हैं अभी के लिए, फिर बाद में जो कभी काम आएगी तो फिर बाद में पैर लेंगे दोस्तों। अब तो मैं एक ही पैर लेता हूँ, जैसे कि ये भाई साहब कौन सा अच्छी लग रही है गाइस कमेंट करके बताओ। जैसे कि मैंने ये पैर है भाई साहब, क्या ही ड्रैगन कूल लग रहे भाई साहब, क्या ही जहर, मतलब डेंजर लगा भाई साहब, डेंजर कत्ती औसम लग रही है भाई साहब दोस्तों। तो यार इसको पैर लेते हैं। ओ भाई साहब इसका सूट देखो भाई साहब, बीच में से पटा हुआ है फिर भी भाई साहब कितना तरह से भाई साहब। ओ एक और सूट भाई साहब, ये क्या बात है भाई, इसको देखो गाइस, ये भी मैं पैर के ट्राई करके दिखा रहा हूँ गाइस साहब आपको। ये क्या ही फाइट कर रहा है भाई, कितना मेरा वेट भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, मतलब काफ़ी साइज बड़ा हो चुका है यार मेरा सूट पैर के। भाई इतना बड़ा हूँ नहीं मैं जितना बड़ा लग रहा हूँ बैटमैन रियल भाई साहब, बैटमैन काफ़ी इंटरेस्टिंग भाई ये।
भाई साहब अब मेरे को बाइक वोई की वजह से नहीं आया, एक साथ ही इकट्ठी करनी पड़ेगी वरना तभी कोई मेरे को बैटमैन नहीं मानेगा। ओ भाई कैसा लग रहा हूँ बैटमैन बनके, बता तो ए बता बता यार कैसी फाइट लग रही है। ये देखो भाई साहब एक ही लात के अंदर मर गया, वरना तो मेरे को यार काफ़ी लात मारनी पड़ती इसको। सांस चढ़ चुके हैं भाई साहब, सांस चढ़ चुके हैं यार, ये क्या बात है। गेम वालों ने मेरे को कार दे दिया है अपनी पोजीशन पर गाइस। अब ये देखो भाई साहब लेजेंडरी तरीके से क्या ही स्पीड है भाई साहब मेरी कार की, क्योंकि अब मैं बैटमैन बन चुका हूं तो अब मैं अपने शहर की पूरी तरह से रक्षा करूंगा। जी हाँ दोस्तों अब मैं अपने शहर को बचाने वाला हूँ, मतलब जो भी विलन आएंगे अपने गेम के अंदर उनको सबको मार देंगे भाई। जी हाँ दोस्तों मैं इसको यार यहाँ पर छुपा सकता हूँ क्या भाई साहब, काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई ये। ओ भाई साहब क्या ही लेजेंड है, अंदर से तो यार सिंपल। ये क्या कर 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 क्या रहे हैं भाई ये, भाई मेरी बैटमैन, भाई मेरी कार कहाँ गई बैटमैन वाली भाई ये। ओ भाई भाई मैं क्या सपना देख रहा था यार, ये कर क्या है इन्होंने गेम वालों ने भाई। ओ भाई ये कार कहाँ से आई भाई, मेरे पास तो बैटमैन की कार थी यार, ये कैसे आ गई। ओ भाई साहब इन्होंने गेम वालों तो मेरे पास धोखा दे दिया भाई साहब। तो गाइस अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इनकी धोखों की इनकी माँ की आँख, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिल्ली, मतलब अब की बार तो बैटमैन का पोपट हो चुका है यार दोस्त, हमारा बैटमैन बन रहे थे और ये क्या चड्डी मैन बनकर आ गए यार, फिर से हमको साथ फिर धोखा हुआ है यार। बाय बाय टाटा सी यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।